गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डॉस के कमांड्स। पहले भी हमने दो वीडियो में देख चुका है इंटरनल कमांड्स, आज हम देखेंगे डॉस के एक्सटर्नल कमांड्स। तो हमने इंटरनल कमांड्स में देखा था, सबसे पहले हमने देखा था सीटी डॉट डॉट। इससे हम क्या करते हैं, हम किसी भी डायरेक्टरी से एग्जिट होते हैं। देन सेकेंड हमने देखा था सीडी, इससे क्या करते हैं हम चेंज ड्राइव। हमें अगर किसी भी फोल्डर को ओपन करना है या हमें ड्राइव जो चेंज करना है उसके लिए, सॉरी डायरेक्टरी चेंज करना है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम सीडी, चेंज ड्राइव या चेंज डायरेक्टरी। देन नेक्स्ट हम क्या देखे थे, एमडी, मेक डायरेक्टरी या फिर इसे हम बोलते हैं एमकेडीआईआर। और हमने देखा था आरडी। तो पिछले वीडियो में हमने लगभग सारे इंटरनल कमांड्स देख चुके हैं, आज हम देखेंगे एक्सटर्नल कमांड्स। एक्सटर्नल कमांड्स में हम सबसे पहले आज देखेंगे लेबल, LABEL। देन हम क्या करेंगे, लेबल का यूज क्यों किया जाता है, ड्राइव के लेबल और सीरियल नंबर को देखने के लिए। तो लेबल एंटर, फिर हम क्या करेंगे, ड्राइव नेम। तो यहाँ पे हमारे यहाँ सी ड्राइव है, डी ड्राइव है और ई ड्राइव है, तो हम आज देखेंगे डी ड्राइव। लेबल स्पेस ई ड्राइव, आई थिंक ये कमांड इस वर्जन में वर्क नहीं कर रहा है। तो हम नेक्स्ट कमांड देखेंगे ट्री। ट्री कमांड का यूज हम जितने भी हमारे ड्राइव में जो डायरेक्टरीज है और फाइल्स है उसको एक ट्री फॉर्म में क्या करता है, हमें दिखाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी डायरेक्टरीज और ड्राइव फाइल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ट्री फॉर्म में जनरेट होते जा रहे हैं। ये क्या, हमारा एक पर्टिकुलर सी ड्राइव के अंदर जितने भी डायरेक्टरीज और फाइल्स हैं उसके बारे में ये क्या कर रहा है, हमें उसे एक ट्री फॉर्म में जनरेट करके शो कर रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सी एच के डी एस के, मीन्स चेक डिस्क कमांड, सी एच के डी एस के। इसमें हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को चेक करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट हम करेंगे अपेंड, APPEND। इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा सी ड्राइव है उसके बारे में यहाँ पे हमें सीरियल नंबर और उसके मेमोरी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारे मेमोरी का रिकॉर्ड अपडेट होते जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके बारे में यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, अपेंड, APPEND अपेंड। इसमें हम क्या देखेंगे, यह डेटा फाइल को
पाथ प्रोवाइड करता है, मींस हमारा अगर कोई डेटा फाइल है तो उसके लिए क्या करता है, हम अगर उसे अगर एक पाथ देना तो उसके लिए क्या करता है, ये पाथ देने का काम करता है, ये कमांड पाथ जैसा काम करता है। और इसके और भी तीन वर्ग है, ये और क्या करता है, हमें किसी भी डेटा फाइल का पाथ शो करता है, या फिर जो हमारा डेटा फाइल है उसे क्या करता है, वो उसके पाथ को क्या करता है, वो तोड़ता है, या फिर उसका पाथ जो है उसे सेट करता है। तो अपेंड लिखेंगे हम और डेटा फाइल का नाम, या फिर हम अपेंड देन स्पेस, सॉरी अपेंड स्पेस डेटा फाइल, हमारे पास ए नाम का डेटा फाइल था, हमने एंटर किया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्क कॉपी। डिस्क कॉपी ये क्या करता है हमारे, सॉरी डिस्क कॉपी से हम क्या कर सकते हैं, डिस्क कॉपी कॉपी के लिए यूज किया जाता है, फ्लॉपी डिस्क को क्या करने के लिए, कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क को जब हम बार बार ओपन करते हैं तो वो बार बार यूज होने से वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, इसलिए उसके क्या होनी चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, इसे हम क्यों यूज करते हैं, फ्लॉपी डिस्क की कॉपी के लिए। दोनों फ्लॉपी डिस्क की जो साइज है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कॉपी के बाद हम क्या करते हैं, डिस्क कॉम कमांड का को रन करते हैं, वह रन होना चाहिए क्योंकि हमारी जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी जो साइज है वह बराबर है कि नहीं, उसे चेक करके हमें क्या बताता है, डिस्क कॉम बताता है। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्क कॉपी एंटर, हम ड्राइव वन फर्स्ट ड्राइव का नाम लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे, सेकेंड ड्राइव का नाम, फिर क्या करेंगे, एंटर लिखेंगे। तो ये पे यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड पैरामीटर्स आ रहा है। हम जब भी किसी ड्राइव का नाम लिखते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें कोलन लगाना चाहिए, यहाँ पे हमने नहीं लिखा इसलिए यहाँ पे क्या आया, आ रहा है। हम क्या लिखेंगे फिर से, डिस्क कॉपी ए सी कोलन स्पेस ई कोलन, देन एंटर। ये इस वर्जन में प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो हम नेक्स्ट कमांड देखेंगे। हम देखेंगे अब सिस कमांड। सिस कमांड में सिस्टम कमांड, इसमें हम क्या करते हैं कि डिस्क को क्या करते हैं, बूटेबल बनाते हैं। मीन्स डिस्क को बूटेबल बनाने के लिए कौन से कमांड यूज करते हैं, सिस्टम कमांड का यूज करते हैं। सिस एंटर, डिस्क का नेम लिखेंगे हम, यह भी कमांड क्या है, हम देख रहे हैं कि यह कमांड भी रन नहीं हो पा रहा है। तो हम नेक्स्ट कमांड देखेंगे, हेल्प कमांड। हेल्प इस कमांड का यूज हम एमएस डॉस में जितने भी कमांड्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए या उसके हेल्प के लिए करते हैं। तो हम देखेंगे सिस कमांड वर्क नहीं कर रहा था, तो हम हेल्प से चेक करेंगे सिस कमांड में क्या है। दिस कमांड इज नॉट सपोर्ट द सॉरी नॉट सपोर्टेड बाय द हेल्प यूटिलिटी, ट्राई सिस स्लैश क्वेश्चन मार्क। तो हम डालते हैं सिस स्लैश देन क्वेश्चन मार्क, तो हम देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं, यह अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं, प्रिंट कमांड। प्रिंट तो आप जानते ही होंगे, हम इसे प्रिंट निकालने के लिए किसी भी फाइल का प्रिंट आउट के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट कमांड यूज करते हैं। प्रिंट देन फाइल नेम, हम यहाँ पे ए फाइल बनाए थे उसका नाम डाल के प्रिंट दे दिए, लेकिन यहाँ पे सिस्टम अटैच नहीं है कोई प्रिंटर, इसलिए ये क्या कर रहा है, हमें अनेबल टू इनिशियलाइज डिवाइस प्रिंटर ऐसा
ऑप्शन दे रहा है प्रिंट के लिए, हमारे पास क्या नहीं है, डिवाइस नहीं है कनेक्टेड करके। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिट कमांड। एडिट कमांड क्या कर सकते हैं, हम पहले से बनी हुई फाइल्स जो होते हैं उसमें सुधारते हैं। ये हमें क्या करता है, एडिटर प्रोवाइड करता है, जिससे हमें क्या होता है, इजली होती है फाइल को हमें क्रिएट करने में या फिर हमें उसमें इंफॉर्मेशन टाइप करने के लिए। तो हम देखते हैं एडिट, एंटर। देखिए यहाँ पे एक स्क्रीन आई है, जैसा हम देखते हैं हमने नोटपैड देखा होगा, वर्ड पेड देखा है, वैसे हमें क्या मिला, एक एडिटर मिला, जिसके यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जो पहले से बनी हुई फाइल्स है उन्हें व्यू कर सकते हैं, ऑप्शंस भी है, और क्या है, एक हेल्प है, हम फाइल्स बना के क्या कर सकते हैं, उन्हें न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या फिर न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। तो ये हमें क्या कर रहा है, एक एडिटर प्रोवाइड कर रहा है, जो हमारे फाइल क्रिएट करने, एडिट करने और उसे सेव करने में हमें क्या होता है, ये इजी होता है। वो ये थे हमारे कुछ एक्सटर्नल कमांड्स, और भी एक्सटर्नल कमांड्स है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।